आप सभी का अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पा रहा हूं कि OneAd में कई लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनका पेमेंट क्या है, कैसे अर्निंग आ रही है, क्या हो रहा है। तो इस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं जो पेमेंट से रिलेटेड है। तो कृपया करके अगर आप पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप जब OneAd ऐप को खोलते हैं तो आप पाते क्या है कि आपको तीन तरह की अर्निंग दिखाती है, एक OneAd बैलेंस, एक एक्सपेक्टेड मंथली इनकम और दूसरा विड्रॉ अमाउंट। विड्रॉ अमाउंट वो अमाउंट है जो आप विड्रॉ लगा चुके हो और आपके बैंक अकाउंट में जा चुका है। जब वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है कंपनी से तो वो अमाउंट यहाँ शो होता है। अब दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड मंथली इनकम। एक्सपेक्टेड मंथली इनकम वो है जो आप अपनी टीम से अर्निंग कर सकते हैं महीने में, यानी पूरे महीने में आपको इतनी अर्निंग हो सकती है। जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा आपका एक्सपेक्टेड मंथली इनकम होगा। ये लोगों के एक्टिविटी पे निर्भर करता है। एक्टिविटी मतलब कि वो लॉक स्क्रीन कितना खोल रहे हैं और नहीं खोल रहे हैं। लेकिन ये जो इनकम है डेली आपके OneAd बैलेंस में शो होता है। OneAd बैलेंस क्या है, यह वह बैलेंस है जिसे आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट में लगा सकते हैं। जैसे भी 7 रुपये 20 पैसा मेरा OneAd बैलेंस दिखा रहा है, ये हुआ कि जिसे मैं बैंक अकाउंट में लगा सकता हूँ। ये जो 208 रुपये की अर्निंग दिखा रही है जो मेरी टीम से, यानी 291 लोगों की टीम से जो अर्निंग हो सकती है मुझे, वो है 208 रुपये 83 पैसा। तो यह डेली जो अर्निंग आएगी, मतलब कि आज मान लो कि 6 लोगों ने ही ऐप को लॉक स्क्रीन को खोला है, तो उससे जो अर्निंग आएगी वो मेरे OneAd बैलेंस में अगले दिन क्रेडिट हो जाता है, जिससे मैं बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर आपको इसे विड्रॉ करना है तो आप आसानी से इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं। OneAd बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद माय बैलेंस में जाइए। माय बैलेंस में जाएंगे तो आपको कैश आउट दिखेगा। कैश आउट पे क्लिक करेंगे और बैंक डिटेल को फिल करेंगे। आपको बैंक डिटेल में अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर सही सही भरना है, अपना IFSC कोड सही सही भरना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो बैंक अकाउंट दे रहे हैं उससे पूरी तरह से जांच लें और उसका जो IFSC कोड है ये सब सही भरें। कैश आउट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पाओगे, जैसे मैंने भरा हुआ है अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक का नाम, IFSC कोड ये भरा हुआ था। नहीं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से मांगा जाता है, इस तरह से आपको भर देना है, पूरा का पूरा फिल कर देना, यानी बैंक का नाम, किस ब्रांच का नाम है, आपका अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का IFSC कोड क्या है, ये सब भर देना है, ठीक है। इसे फिल करने के बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ सिर्फ इंटर अमाउंट डालना है और उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा कि आप क्या किए हुए हो, विड्रॉ लगाए हुए, जो आपको 48 घंटे के अंदर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना है। ये बात का ध्यान रखना है कि पैसा तुरंत नहीं आता है, 48 घंटे की टाइम लगती है। तो 48 घंटे में वो बैंक अकाउंट में आपको आएगा और आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे ये एक नोटिफिकेशन है जो मैंने पहले लगाया हुआ है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कॉलम पे आप देखेंगे कि आप जो भी विड्रॉ लगाए हुए हैं वो दिखाएगा। जैसे ये देखिए कि मैंने क्या किया हुआ था, बैंक विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाया हुआ था, तो ये दिखा रहा है कि आपने जो लगाया हुआ था वो रिसीव कर लिया गया है और 2 वर्किंग डेज में वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में चल जाएगा। तो आप इस तरह से अपने OneAd बैलेंस को पा सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होगी कि OneAd के बैलेंस को किस तरह से हम विड्रॉ लेंगे या OneAd बैलेंस कैसे हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको लगातार अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँ। थैंक यू।